क्या बात है सरोज जी? हाँ वो क्या है ना, मैं गिर गया। ये बात कॉलेज में किसी से नहीं बताना, नहीं बच्चे हंसी उड़ाएंगे। लेकिन राजकुमार विजय जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि जब से आपने शेर सिंह से मेरी जान बचाए हैं, तब से मैं कुछ अपने दिमाग में गूंज रही थी, वही बात आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? कहीं मेरी बातों को सुनकर आप रूठ तो नहीं जाएंगे? देखो जल्दी बताओ, वरना भैया भाभी बहुत नाराज होंगे। सुनिए, अरे दिल को लुभाने वाले को? अरे दिल को लुभाने वाले, अरे जरा मुस्कुरा के बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? सरोज जी हाँ, एक बात बताऊं आपको। क्या कहना चाहते हैं? क्यों जुल्म की जंजीर में, क्यों जुल्म की जंजीर में हो फांसती हमें, जिल्लत मिलेगी इसमें, कर चाहोगी हमें। गरीब की हो लड़की, मैं हूं एक युवराज। गरीब की हो लड़की, मैं हूं एक युवराज। गरीब की हो लड़की, मैं हूं एक युवराज। बेकार मोहब्बत में, बेकार मोहब्बत में हो फांसती हमें। हेलो, आगे सचिन टूड़ी पर के रहने वाले, सामने चाय की दुकान लगी है, जिन भैया को चाय पीना हो पियो, और ये 10 रुपया लपर झपर पे खुश होकर इनाम दे रहे। अरे राजकुमार भैया, प्यार कर लियो यार, लड़की के तमन्ना पूरी। राजकुमार विजय, आपने क्या कहा? मैं गरीब हूँ तो क्या गरीब लोग प्यार नहीं करते? ऐसी बात नहीं है,
तो आपने कैसे कह दिया इसी बात? लेकिन सरोज जी, हाँ मैं बहुत डरता हूँ, लेकिन जब से आपने मुझे शेर सिंह से बचाया है, तब से मैं, जब से मैं देखी हूँ आपको, न जाने मेरे दिल में और मेरे दिमाग में क्या से क्या। देखिए सरोज जी, आपको कुछ भी हुआ हो लेकिन मुझे माफ करना, मुझे रुकिए। ये आगे अचिन, अचिन अंडा वाले। अरे जिन भैया को ज्यादा ठंड लग रही हो, बगल में दुकान अंडा की, अंडा खाओ, 10 रुपया इनाम। ये भैया प्यार करो यार, प्यार करो। हम कहाँ आए? देखिए राजकुमार विजय, आप मेरे प्यार को स्वीकार कर लिए, इसलिए आपसे मैं प्यार करना चाहती हूँ। सरोज जी, हाँ आप हमसे बहुत प्यार करती हैं। बहुत। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मैं भी तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। जानती हो, मैं तो तुम्हें उसी दिन से प्यार करने लगा था जिस दिन तुम कॉलेज में प्रथम पास हुई थी। अच्छा सरोज, हाँ मेरे पास आओ। हमसे नजरें मिला के बात करो। एक बात बताऊं तुम्हें, प्यार तो तुम हमसे बहुत करती हो, लेकिन हमें कभी भुलाना नहीं, अपनी नजरों के सामने ही रखना। दादा एक बात बताऊं, नजर के सामने जिगर के पार, नजर के सामने जिगर के पार। हेलो हेलो, ये आ गए मुकेश बैंड बाजा वाले। ये 10 रुपया इनाम दे रहे जिन भैया को शादी विवाह में अगर बैंड बाजे की जरूरत हो तो संपर्क करो, 10 रुपया इनाम। धन्यवाद। सामने जिगर के पास बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे
काफी टाइम हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं भी आपसे एक बात कहूं। कौन सी बात? और तू दीवाना पागल मेरा हो गया। क्या? हेलो, ये आगे राजा भैया जो कि थौरी के रहने वाले, 100 रुपया मेला कमेटी को और पार्टी के लिए 50 रुपये का इनाम। शुक्रिया, धन्यवाद। और तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू को गया मेरे प्यार में तो गया। मैं दीवाना पागल तेरा हो जाता है रे। अबे तुमका पता नहीं ना कहा रहे? जब वो राजकुमार विजय तुम्हारे गिरेबान पर हाथ डाल रहा था तब आप छूछे मैया तो काम बनेगा नहीं। हम गेंद आए वहां दादा लगे लाठी लावे, और जब तक वहां से लाठी लाई लाई तब तक तुम खुदे चले गए हो। कितनी देर लगती है लाठी लाने में? जब तुम चले गए हो ना तो मैं के साथ एक थे जो गुल्लावा रहा। हुआ सार हमका हुआ से पकड़ के लावा, हमार बड़ी सेवा करी से। बड़ी सेवा किया? बड़ी मान सम्मान करी से। क्या कुछ खिलाया पिलाया? क्या खिलावे पिलावे तो बात छोड़ो, हुआ से पकड़ के लावा दे दलादर दे दलादर। और हे हे अरे सुनियो तो पहले, तुम तो पहले ना तो दूसरे चीज हम कही दे दे दलादर दे दलादर। जब मारे लागना तो कहित की अब ये लौंडीबा के गोड़न गिरो, मजबूरन भैया मार के आगे बंदरिया नाचे वही पिटीबा के अंका गोड़न गिरेगा, बड़ा बेइज्जती हो गई। क्या रे हराम जाते सब रंगबाजी बैठे झारी गए यार। यही है तेरी इज्जत किया है, बहुत बहुत सेवा किया है। क्यों रे? अब तुम चले गए नहीं तुम हम वही तो भी भरपूर रंगबाजी करी चार जगह। हाँ हाँ मरीज जाए जब हमारी उसकी हाथा पाई होने लगी तो भाग कर वहां बोल रहा है कि हम लाठी लाने चले गए थे। क्यों? खाने पीने में ओबा और काम करने बहुत बड़ी बेइज्जती कर दिया विजय राजकुमार ने, और उसके साथ वो दो टके का इंसान अनवर मियां विजय राजकुमार के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। दिमागी लाल क्या करे दिमागी लाल? ये बता यार मैं करूं क्या? अपने डैडी के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा और क्या बताऊंगा? अरे मुंह दिखावे तो है ही नहीं, चलो अपने डैडी से बताओ चले कि हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में एक सरोज नाम की लड़की थी, उस लड़की से हम प्यार करे लागे, जब तक मैं दूठे लौंडे आए वही दुनो लौंडा हमका दूजने का मजे का तूरी। अरे दिमाग की ले लो,
अगर ऐसा बताएंगे तो हमारे टैटी हमारा गला घोट कर में के मार देंगे रे। अब कहा झूठ बोली होगा तो सच सच बताना पड़ेगा। बतावे का पर्वे करी और ना बताई हो ना तो कहूं पता पाएगी तो हम कहे तुम्हारा मुंडिन काट ले। कोई तरकीब लगा फटाफट फटाफट दिमाग लगा, इतना टाइम नहीं है रे। दिमाग तो हम लगा लगाए हैं। चलो तुम्हें पैर मां पट्टी दे बांध, हम हो झूठ मूठ के ले हाथ टूट। चलो जाते जात अपने डैडी के सामने मुंह भरवा फाट पर चले। अरे मुंह भरवा फाट पड़ेंगे तो दांत वाल सब टूट जाएगा रे। यार बहाना तो बनावे का। अच्छा, बहाना बनाना है किसी तरह। जब तुम्हारे डैडी जी देखेंगे ना तो जल के अंगार हो जाएंगे। कहा गुस्सा में गांव में आग लगा दें, कहा डूड़ी वाले जितने घर हुए जिसी भी बुलवा के गिरवा दे। तो सही भाई, एकलौता बेटा हो ना, अकेले तो बढ़ावे तो हराम। मैं बढ़ावा हूं क्यों रे? बांध फटाफट पट्टी बांध 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 पैर में बांध फटाफट। चलो बहाना बनावे का परी और जाते जाते उभरवा फट पर चलो। यार चलू कैसे? अरे यार वही तरह चलो बहाना बनाओ। किस तरह? चल ठीक है ठीक है, लेकिन अभी से थोड़ी चलेंगे यार, वहां तक पैर दर्द करने लगे। टैटी के पास पहुंचेंगे तब चलेंगे। चलो आओ फटाफट। चलो हम पीछे लाग रहे हाथ पूरे कहा तो झूठ के टूट ले। दो चार घूसत में पर्ची है तो खुद आ जाए। विजय राजकुमार तुमने सेन सिंह की बेइज्जती की है, इस मुकाम पर मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, जिंदगी में कभी सोचोगे नहीं। चलो वक्त का इंतजार करो। अब इनके रंगबाजी तो वही थे झरके रही और इनके बापों पर रंगबाजी झरके। अब जाए थे इनके डैडी से इनका खुदे हो रुआई थी बेटा का। इनका टाइम टाइम से जो तरह हमका खुराक दिए थी ना वही तरह इनके डैडी से इनका खुराक खुदे दो। मुन्ने ललवा बाबू शेर सिंह अभी कॉलेज से वापस नहीं आया है। अब काज नहीं आए कि नहीं आए, साथे तो वह दिमागी ललवा रहा था। यह दिमागी ललवा सारा लेट लपेट लावा। कोई बात नहीं, आओ हम लोग आने का इंतजार करते हैं। आओ बैठो। ऐसी हालत किसने किया है? तो फूल से चेहरे पर अक्कासी ये हिट किया। फूल से चेहरे पर तो फूल से चेहरे पर कैसी ये हिट किया। काल पर तेरे कैसे दरारे पड़े। अब किसने मारा है थप्पड़ तेरे काल पर। तेरी ऐसी हालत किसने किया? सब कुछ बताऊंगा डैडी। हेलो 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 हेलो, ये आ गए हमारे भैया राम कृपाल भैया। जहां पर भी हो हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचती है तो आकर हमारे धर्मराज भैया से आकर संपर्क करें। राम कृपाल जहां पर भी हो आके हमारे धर्मराज भैया से मुलाकात करें। धन्यवाद। क्या हुआ क्या हुआ बता। सब कुछ बताता हूं डैडी। प्यार की सीढ़ी पर डैडी जब मैं चढ़ा, प्यार की सीढ़ी पर, प्यार की सीढ़ी पर दर्द चम्मच चढ़ा, वैसे ही आ गया।
कुंवर उठ जाए और मुझको मारा बहुत और ताली दिया। और काली दिया आपको देती है उसने धमकी दिया। शेर सिंह हाँ डैडी, ये बता हम तुझे पढ़ाई करने के लिए भेजता था कि प्यार की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए? डैडी मैं पढ़ाई करने गया था, अब लेकिन करूं क्या? क्या यानी पढ़ाई छोड़ करके प्यार की सीढ़ी पे चढ़ना? चोट तो पहले से ही लगी है। चोट लगी है और ऐसी शक्ल बना करके अपने डैड के पास आया है कि प्यार की सीढ़ी पे। मैंने तुझे कहा था ना कि कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना जिससे तेरे डैड का सर नीचा हो जाए और तू प्यार की सीढ़ी पे चढ़ना। और ये बताओ वो हरामजादा दिमागी ललवा कहां था रे? दिमागी ललवा भी साथ में, लेकिन जब वक्त आया तो कहीं निकल गया था वो। बाहर हट बाहर हट, हम दिमागी ललवा से दिमागी ललवा इधर आ। दीदी रे अरे मोरे बाबू, हम तीन जने स्कूल भाई कहिया जाता ही रहे ने रे। अरे बताएगा कि हा अरे अरे गलिया मैया एक लौटीवा मिल गए भैया वैसे प्यार का रही लागे वही रे। अरे नालायक तू क्या कर रहा था रे? अरे वतने ने मैया तू टू लौटे आए भैया का मजे के पेली ली क्या? अरे मारा है कि साले ये क्या पर खड़े खड़े सकल देख रहा था? अरे बाबू बाबू वही ठैया खड़े वही के सीखई लागे ने रे। अरे इसलिए मैंने शेर सिंह के साथ भेजा था कि वहीं पर देख करके सीखना चालू कर। अरे बाबू अरे चाले डारा था वही ने अगर इसी तरह करोगे। शेर सिंह क्या कहा राजकुमार विजय ने? राजकुमार विजय ने कहा कि शेर सिंह मैं अपने भाई यहां के महाराज यानी अजय से कहकर तुम्हारे डैडी को मंत्री पद से हटवा दूंगा। क्या मुझे? और तुम दोनों फुटपाथ पर कटोरा लेकर के भीख मांगोगे डैडी। वो राजकुमार विजय ने मुझे ऐसा कहा? अरे जिसकी औकात नहीं थी मुझसे नजर मिलाने की आज तेरे कारण ऐसा सुनना पड़ रहा है। अब तो तुम मंगता बनी हो रे। डैडी मैं भीख नहीं मांगना चाहता। चला जाए मुन्ने ललवा, क्या फटाफट इनका इलाज करवा। अरे नालायक हॉस्पिटल में दवा होगी कि खाएगा? हॉस्पिटल खा के ठीक होगा। राजकुमार विजय ने मुझे कहा कि अपने भाई से कहकर मैं
मंत्री पद से हटवा दिया तो फुटपाथ पे कटोरा। अरे अरे यो क्या कर रहा है? अरे साले बता रहा कि हमारा मुंह तोड़े दिमागी ले लो, बता रहे कि ठीक हो गए, दिमागी ले लो, बात सुन, खंजर लेकर आ। हरामजादे तू मुझे ही मारना चाहता है? हरामजादे इतनी बड़ी बेइज्जती करके आया और हा 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 करता है? बाबू तुम्हें तो मांगे खंजर ला, कहा या लिए हो? एक बात सुन, राजकुमार विजय ने अच्छा नहीं किया, चल हमारे साथ, आज ही हम राजकुमार विजय का राम नाम सत्य करूंगा। चलिए बाबू। तुम साले शेर सिंह के साथे रह के यह कर रहे हो? इनका शेर सिंह का जब तक बर्बाद न कर दे बेटे का, तब तक कल से न रहा हम। वैके साथे साथे ताले तू खत्म हो जाएगी। चल चल, अच्छा तो ये लग रहे हम आई थे। चल अच्छा ठीक, अब देखो महामंत्री विक्रम सिंह गए हैं राजकुमार विजय के पास बदला लेने। अब आगे देखो होता है क्या रंगमंच द्वारा। अब तुम्हार अगर तुम सारे शेर सिंह के साथ ना छोड़े हो, बोरे अरे यार ये है ठाकुर। हाँ तो ओ भाई हम ही नौकर, और यार ये हमारी बात का यार पता नहीं कसक समझ जाते, लेकिन इनसे भिड़ो भिड़ो ना भाई, ना इनसे भिड़ो और ना इनसे कुछ कहो, हाँ हाँ मिलाए रहो, खाई पिए मारिए मारपीट में पास है, मौका पर पेड़ भागो। लेकिन कहना क्या है? अरे अरे ऐसी बानी बोलिए कि ऐसी बानी बोलिए कि रोजे झगड़ा हो, रोजे झगड़ा हो, अरे ऐसी बानी बोलिए कि रोजे झगड़ा होए, और वैसे भिड़ो ना का बहू जो तुमसे तगड़ा होए, तुमसे तगड़ा